और जय श्री राम, जय महादेव, जय हो शंभू। हम आज जा रहे हैं बाजार बच्चों के लिए पेन लाने, क्योंकि जो है दिल्ली से सीमा कुमारी बहन ने पैसे भेजे हैं हमें 1000 रुपए और कहा है कि बच्चों के लिए पेन ले आना। तो मैं आज खाली था और बच्चों के पास जो है पेन भी नहीं थे, तो मैं पेन लेने जा रहा हूँ। ओके, और हम दिखा भी देते हैं कुछ चीज़ें आपको कि यहाँ पे पेन नहीं है। बाकी मेरे पास सारी चीज़ें, देखो ये देखो, बच्चों की पुरानी कापियाँ भी जमा हम करवा लेते हैं ताकि वो जमा हो जाए, मतलब जिनको ज़रूरी होती है उनको नहीं जमा करवाती। इस तरफ से पकड़े तो अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, ये देखो पहाड़ियाँ इतनी हैं। और हमारे पास है ना पेंसिल थी पर पेन नहीं है, कम से कम लगभग 7-8 दिन से पेन नहीं है। तो बच्चों को, जो बच्चे पेन से लिखने वाले हैं वो भी पेंसिल से ही लिख रहे थे। तो आज हमको जो है सीमा बहन ने पैसे भेज दिए हैं 1000 रुपया दिल्ली से, तो मैं जा रहा हूँ पेन लाने बच्चों को। और हमको पहली बात तो देखो, अभी देखो चमक रहे हैं, पर रास्ते में जब वीडियो बनाएंगे वहाँ पर देख लेना कैसे हो जाऊँगा। तो मेरे को धूप ज़्यादा चलता नहीं है, आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो नहीं, देखो पसीना पसीना हो जाएगा, काला भी हो जाऊंगा। अभी भी मैं काला ही हूँ, उससे काले गोरे से कुछ नहीं है, पर पसीना हो जाएगा ना उस टाइप का। और मैं, मेरे साथ है कोई नहीं, देखो कोई लड़का होगा तो मैं बिठा लूँगा उसको, अभी कोई नहीं है। और ऐसे तो होते हैं मेरे दोस्त, मैंने कहते हैं वीडियो बनवाओ, रहते नहीं है कोई, है ना, नहीं तो ले एक, 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 एक चला चलता मेरे साथ, वो भी वीडियो में आ जाता है ना, है? क्या गुंडा बनोगे। चलो तो मैं वीडियो बंद करता हूँ यहाँ पे, फिर चला के और वहाँ रोड पे पहुँचूंगा अपनी बहन के वहाँ, जब मम्मी पापा के वहाँ, तो वहाँ बना दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ से कट। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा दोस्त मिल चुका है, वो है पुराना दोस्त, बहुत मतलब संघ में पढ़े लिखे, प्रमोद भाई नाम है उनका। प्रमोद भाई, जो भी खा रहे हो नशा पत्ती की चीजें छिपा लिया जाए, वैसे गुटखा खाते हैं कोई बात नहीं उनका, गुटखा खाते हैं क्या? कैसे प्रमोद भाई, बढ़िया बढ़िया, चंदला जाना है। अब देखो मिल गया है हमारा दोस्त, अब वहाँ से बोले थे ना कोई नहीं मिला, अब वहाँ पे जाएंगे रोड में। चल चलो यार। तो प्रमोद भाई की देख लो, बढ़िया मजे में जा रही है जिंदगी, कटर कैसे हो मेरे साथ चंदला। अच्छा प्रमोद भाई जो है हमारे साथ बचपन से रहे हो, है ना, हर जगह पढ़े लिखे हैं, प्रमोद, पुनीत, बबलू, श्रीचंद, राकेश, ये सब मेरे गांव के खास खास दोस्त हैं जो हमारे साथ पढ़ते लिखते थे। तो अभी तो देखो जिंदगी का वो मोड़ आ चुका है जो हम काफ़ी सारे बिखर गए हैं, कोई अपने काम में, भाई इनकी शादी हो गई है, एक लड़का भी है, और पुनीत की भी शादी हो गई है, उसके एक लड़का एक लड़की है, बबलू की भी हो गई है, उसके एक लड़की है, सब अपनी अपनी लाइफ में है। कोई ये क्या करते रहते हो भाई आजकल? सेटरिंग करते हैं, जैसे मकान वकान में सेटरिंग लगाए, फिर लेंटर डाल के उनको, तो सेटरिंग ही लगाते हो आप, लेंटर नहीं डालते हो, है ना, ठीक है। तो देख लो हमारे यहाँ ऐसी फैंसियाँ भी चलती रहती हैं, पहाड़ी इलाका है, बढ़िया मस्त, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। और बाबू भाई की दुकान तक पहुँच गए हैं, प्रधान जी वहाँ पे हैं। हम आ चुके हैं मम्मी पापा के यहाँ घर, तो माता जी जो है आराम ही कर रही हैं, और शेर भी हमारा ये रहा। नमस्कार माता जी। नमस्कार, गुंडा बन के कहाँ जा रहे हो? नमस्कार, कहाँ गुंडा बने? अरे माता जी, गाड़ी बच्चों के लिए पेन किताबें लेने में जा, तो 500 का तेल मैं गाड़ी किस दिन डलाया? 500 का तेल डरा है, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर पेन किताबें बच्चों को लेने जा, पेन किताब में जाता तो मोर डराए तेल में, तो गाड़ी धोक डाल जन्ना मुझे जागो न, तो तेल नहीं डरा बताइए, ये तो आप कौन सी ईमानदारी है। तो आप उस टाइम पे क्यों जाते हो जिस टाइम पे गाड़ी का तेल खत्म होता है? और एक दगा तू मुन्ना तेल लगा। दरअसल क्या है ना, गाड़ी को लेकर, गाड़ी को लेकर और धीरू को साथ में लेकर माँ जी जाती रहती है, जैसे कहीं यहाँ वहाँ मामा मामा के पास, तो उनका तेल खत्म हो जाता है,
कहीं कहा घूमते हैं फालतू का, बच्चों की पेन किताबें लेने आ जा रहे हैं। और हाँ रुको रुको, वो बहन है एक सीमा कुमारी नाम है, दिल्ली से है, उन्होंने 1000 रुपए भेजे हैं, कहें कि बच्चों की पेन किताबें ले आओ, तो उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू बेटी, खुश रहो, खुश रहो। परमा तुझे अभय और समझा रहे जी। इसलिए कि जब तक तैर रहेगा तब तक गाड़ी चलेगी जी, ठीक। और जिस दिन मेरा काम होगा उस दिन आप तेल बढ़ा जाए, उस दिन तेल आप डलवा के गाड़ी चला लेना। अब बचेगा तुम्हें, बचा कुछ देखो, बचा कुछ चलाते हैं आप तेल, ऐसे तो गाड़ी बंद। आप जब नया तेल डलवाते हो पेट्रोल पंप से तो आप चलाते हो, अब बचा कुछ हम चला रहे थे। हाँ तो ज्यादा तेल खर्चा कर रही, सही बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो आप क्यों लेटे हो, आप आराम कर रहे हो यार? कहाँ थे? मामा के यहाँ थे ना। अच्छा, तबीयत ठीक है? चलो मामा की तबीयत ठीक है, बहुत अच्छे हैं। और आप ऐसे आराम ना कर रहे हो ना, तबीयत ठीक है ना, मतलब ठीक है। चंदला से कुछ लाना है आपके लिए? दवाई दवाई तो मामा का लेवा जाना है, आराम है, आराम है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। चलो भाई प्रमोद चलते हैं, बहुत भाग मानी परोसा जी। थैंक यू। ऐसे कि मैं 5 बार तेल डलवा दी, पूरे पैसा देना 2000। इतना भागशाली आदमी हूँ कि देखो गाड़ी में तेल नहीं डलवाना पड़ता है मेरे। अब कल तो और काम न रहा गाड़ी में तेल ना। देखो कितना मैं भागशाली हूँ, मेरा काम ही नहीं लेता है। अब आज गाड़ी में तेल आ गया तो काम आ गया। काम आ गया, वाह वाह वाह, थैंक यू। ठीक है, हम चलते हैं। आपकी बार जहाँ जाओ तो आपका थैंक यू बोलकर तेल डलवा दे। ठीक, इस बार तेल हम डलवा देंगे, ठीक है, चलें। हां जाओ, आशीर्वाद दे, खुश रहो। चंदला हम पहुंच चुके हैं बढ़िया दुकान में, और हमारे दोस्त की दुकान है, प्रमोद भाई भी आके बैठे हैं, और ये हमारे गांव के भैया चलाते हैं ना, इलाके हैं, और 400 के पेन है जो ये वाले लिए हैं, कितने 40 पैकेट है ना ये प्रमोद, इसमें 40 पैकेट पेन है ये, और वो लेकर आता है 5, ये कितने का है? 5 का बिकता है, कितना लगाओगे? 20, इसमें 5 पेन हैं और 5 का मार्केट में बिकता है दुकान में, पर ये 20 का हमें लगा देगा, तो ऐसे हमको 600 के ये दे दो, 1000 रुपए के पेन पेन कर दो पूरे। दुकान का नाम बता दो, प्रकाश जर्नल स्टोर, बस स्टैंड के बगल में समोसे की दुकान है, उसके बगल में एक और किराना स्टोर है, फिर उसके बगल में इनकी दुकान पड़ती है, आप कभी भी आइए और सामान लीजिए, मेकअप से लेके हर चीज़ का सामान अंदर भरा पड़ा है। अपनी तरफ से जो है 3 पिन हम दे रहे हैं हमको, अब दे रहे हैं, इसमें भी डिस्काउंट किया है और 3 पिनों में भी कर रहे हैं। उस पिन की क्वालिटी अलग होगी शायद, खास होगा, दिखाओ। ये देखो हमारे लिए स्पेशल पिन, प्रमोद भाई को, और थैंक यू इनाम में जो हमको पिन मिल चुके हैं, अब पैक कर दो, ये हो गए ना 1000 रुपए, बन गया पर्चा, बनाओ वो जी। देख सकते हो 1000 रुपए के इतने सारे पिन मिल चुके हैं भैया, 1000, ये देखो पूरे के पूरे ये 1000 में मिले है ना, 1000 में, और 3 पिन हमको एक्स्ट्रा दिए, थैंक यू, ठीक है भाई। पेन लेके आ चुके हैं, और भैया बढ़िया सेव वाले की दुकान में बहनों के लिए हम सेव ले लेते हैं, ये कितने के सेव है ये? दोनों में से अच्छे कौन है? तो यही दे, 1 किलो दे दो, समोसा भी ले लेंगे तो आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने के ले लेंगे, वो खुश हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते हो भाई साहब, हम आ चुके हैं समोसे की दुकान में, कैसे भैया है? क्या बना रहे हैं? नहीं, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, वीडियो से कुछ नहीं। आप ये बताइए समोसा कैसे दिए? 15 के तो ठग रहे हो, हैं गरीब आदमी को सता रहे हो आप, बाजार में 10 के 3 मिल रहे हैं, तो आप 15 के कितने? 2। अब वीडियो बना रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? हैं फ्री में वीडियो बनता है, जो कोई डालेगा वो। एक काम करो, गरम है, कितने होंगे? काफ़ी है, 10 दे दो, 15 × 30 150 रुपये, ठीक है, 150 के 20 दे देंगे, 20 तो 150 के नहीं, 10 ही दे दो,
सौ के नहीं, हाँ हाँ सौ के कर दो। वो भी मजदूर हमारे वहाँ खेत में काम करते हैं ना, तो वो भी खा लेंगे एक दो दो सौ। धीरू भाई भी आए हैं वहीं पर हैं, तो वो भी खा लेंगे। क्या हो रहा है? अखबार वाली बुस्केट कैसी है? हो रहे हैं अखबार वाली बुस्केट, सही लग रही है, पर ये चेहरा काला काला है, ये कैसे लग रहा है आपको? ये खराब लग रहा है ना? दाढ़ी बनवाए याद दिला दिया यार आपने, दाढ़ी बनवाने के लिए। देखा कहा था ना पसीना निकल आता है। तो चलो मैं दाढ़ी अब किसी और दिन बनाऊंगा, क्योंकि दाढ़ी में देखो सामान रखा है, पेन वेन वैसी चीज़ सिस्टम है। ठीक है, अगर पहले बनवा लेता तो चल जाता, अब नहीं बनवा सकता, मेरे साथ कोई है ही नहीं। 15 हमको कोई मतलब नहीं है, हम पैसे कम ही देंगे, कम से कम 10 रुपये भाई। मैं वीडियो के काट लेता हूँ, कहीं पर भी रहूँ 10 रुपये का वीडियो काट लेता हूँ। सही है 10 रुपये का वीडियो है। कैसी दुकान आपकी चल रही? बढ़िया होगा कि आज कोई त्यौहार है क्या? हाँ पिज्जा है, तो मिठाइयाँ मिठाइयाँ भी दे दो। खोबा तो खोबा तो खोबा घर में बना लिया है, बहन ने बना लिया था। देख सकते हो हमारे जो बाजार में सरपंच जी भी मिल चुके हैं, हमारे गांव के नए सरपंच जी हैं ये। और कैसे हो? अच्छे हैं, जनता का सेवा करने में जुटे हुए हैं। अच्छा चल रहा है सब? हाँ, काम बढ़िया करवा रहे हो? क्या क्या प्लानिंग बनाया? प्लानिंग नल जल योजना की हो गई, नल योजना की, और आवास और वो हमारे वो सर को वो बता रहे थे, राजा राम कह रहे थे कि वो जगह का नियुक्त कर लो। हाँ, हो गया अभी थोड़ा पता है सेंक्शन होने के लिए। अच्छा रोड का सेंक्शन करवा रहे गोयरापुर। जनता वैसे प्रसन्न है, हम मिले हैं जनता से, पूछते हैं कि सरपंच जी कुछ ऐसा करते हो तो बताइए। जो है एक महीना नहीं है पता। अच्छा क्योंकि अब थोड़ी काम हाँ अभी नए बने हुए कितने महीने हो गए? हमें तो अभी जो है कारोबार मिला है अभी पूरा का पूरा मिला है, पंच के रूप में नहीं अभी संपूर्ण। हाँ काम हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, आप अच्छे से बढ़िया करिए, जनता की सेवा करिए, गांव का विकास करिए। तो जय श्री राम बोल दीजिए। सुनिए हम बाजार से लेके आ चुके हैं पेन, समोसा और एप्पल। पेन ये रहे, आपको लग रहे होंगे कम है, पर कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। पेन वहाँ पर बिछाए थे ना, देखे थे, शेर भी हमारा समोसा खाने के लिए तैयार है। और लीजिए माँ जी, इसमें से समोसे निकाल लो और इनको भी दे दो। सब के लिए लेकर आए हैं, सुनंदनी कौशल्या को, और दो समोसे हमारे लिए भी पैक रख दो। खट्टी चटनी खोल के डालो इसमें। क्या लगाए हो खेत में? धान और क्या? धान बस, टमाटर और बैगन और मिर्च भी है। वाह सब कुछ लगाए हैं। और हमारा शेरू ऐसा डॉग है कि जब तक उसको कहेंगे नहीं कि वो खा नहीं सकता है कोई भी चीज़ नहीं खा सकता है। नहीं यही समोसे अभी हम डाल उसको कहेंगे खा लो, वो खा लेगा। कहा नहीं है कैसे मुंह बाहर रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कितनी जल्दी खाऊं, पर वो खाएगा नहीं जब तक हम उसको कहेंगे नहीं, ऐसा हमारा डॉग सही है। ठीक है चटनी डाल दो इसमें। ठीक है माँ जी, हम चलते हैं तो समोसे हमें निकाल के देते हैं, फिर चलते हैं। वीडियो ख़त्म कर दें तो क्या नाम है, सीमा बहन को बोलो कि थैंक यू बेटी, खुश रहो। झगड़ा कर रहा है। अच्छा ये बताइए शेरू की बदौलत से यहाँ पे कितनी सुरक्षा है? बहुत ज्यादा कैसे रात कैसे होते हैं, कोई जानवर आए शेरू लड़ाई करता है उससे।
फिर लड़ाई करता है। हाँ, कोई भी आ फिर लड़ाई करता है। और कौन? अच्छा इंसान कोई आ जैसे? इंसान कोई जैसे बोल नहीं रहा, धीरे धीरे नहीं कर रहा, तो शेर उसको दौर के वहाँ पहुँचेगा, जब वो बोलेगा तब शेर शांत होगा। अगर चोरी चोरी जा रहा तो शेर यहाँ यहीं से बजेगा उसको। अच्छा, तो ठीक है, बड़ी अच्छी सुविधा। मम्मी पापा को और जा रहे हैं अब घर, और घर में शिवनंदिनी और कौशल्या को देते हैं ये सेब फल और पेन रखते हैं बच्चों के लिए। 5 बजे आएंगे तो वो आज खुश हो जाएंगे बच्चे भी। हम पेन लेके आ चुके हैं अपने घर, और मेरे बाल जो है उड़ उड़ के पता नहीं कैसे दाढ़ी वाड़ी हो गई है ना, उसको मैं सही कर लेता हूँ बिल्कुल। और ये है समोसे और सेब, इसमें ही सेब डाल दिए हैं। तो ये पहले मैं शिवनंदिनी कौशल्या को देता हूँ। शिवनंदिनी कौशल्या इधर आओ जल्दी से। कौन भाजी? आए, आए? दिखाओ क्या हो रहा है। चलिए आज हम देखते हैं शिवनंदिनी कौशल्या के किचन में क्या हो क्या रहा है, पता तो चल। और देखते हैं समझते हैं, पहले तो मोजा उतार देते हैं क्योंकि किचन है भाई। अब देखते हैं यहाँ पर देखो ये चीज क्या बना के रखे हैं शिवनंदिनी कौशल्या, और हमारी भाभियाँ भी हैं, दोनों भाभियाँ। अरे यार जलवा यहाँ पे ले, यहाँ पे आपके लिए समोसा और एप्पल लेके आए हैं, ये रख लो। बिटिया कहती है भाभी नहीं बनाएगा, चलो हम बना देंगे। और ये देख लीजिए, जो है शिवनंदिनी से जो चीज नहीं बन रही थी तो मेरी भाभियाँ आके बना रही हैं। ये भाभी को देखो कैसे मुस्कुरा रहा रही है। कैसी भाभी? ठीक है भैया। क्या बना रहे हो? गुजिया। चलो देखते हैं कैसे बना रहे हो। पहले इसको ऐसे बेल के, और देखो दिखाओ उसमें वो खोवा भर का है। खोवा? हाँ। और भर के फिर तला रहे हैं। हाँ। तो तला रहे हैं तो उधर भी बना लेते हैं। जैसे देखो ये रही पूरी, ये इस तरह से गुजिया बना रहे हैं। इसको किस चीज से खाते हैं? बन गया ऐसे ही खा लेते हैं? हाँ। ऐसे ही खा लोगे? इसमें शक्कर खोवा है। अच्छा, ये अंदर ये डाला हुआ है। हाँ। चीनी का ये खोवा है, और ऐसे दबा के, और ये देखो काजल बना रही है। भाभी कह रही है कि बनाने आए। सही है, हम कह रहे थे मत मार में, तो कह दे चला इसे बना दे, तो बना दी। सही है, सही है। शिवनंदिनी कैसी हो? अच्छी हो, बढ़िया। चलिए समोसा खा लेना आप सब, और ये क्या बोलते हैं सेब कुछ सुनाओ, जलवा वाला कुछ गाना वाना भी सुना दो वीडियो में। देखो पल पल न माने टिंकू जिया। वाह जी, सही से सुनाइए भाभी। पूरा का पूरा वो दिखाते हैं कैसे बनता है, ठीक है? जो है ये क्या चीज है? ये आटा है, गेहूं का। चलो गेहूं के आटे से जो है ऐसे बेल लेते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे रख दिया, फिर इसको आगे की देखो क्या करते हैं, सिस्टम बताते हैं। आगे चल के हमारी जो है काजल ऐसे पैक करके, और ऐसे इतनी अच्छी कुशली बनाती है, देखो है ना। ये देखो वो क्या तेल है वहाँ साइड में? हाँ। सरसों का? हाँ, रिफाइंड है। अच्छा रिफाइंड। इसको ऐसे इस पे डाले, इस पे से चिपकती नहीं। खोबा लिए हिसाब का, और ऐसे भर के, और ये दबा दिया, ये बन गया कुशली। और ये देखो रख गई यहाँ पर, और फिर इस तरह बन के रख जाएगी यहाँ पर। ये देखो देख के लग रहा है मस्त स्वाद होगा, क्योंकि खोवा जो है बाहर ही निकल रहा है, इतना तेज से बना रही है काजल। ये खा लेना, ठीक है? और एक बहन है जिसका नाम है सीमा, वो दिल्ली से हैं, और 1000 रुपये बच्चों के पेन किताबों के लिए भेजे हैं। तो अभी मैं पेन तो ले आया हूँ, और तो उसके लिए थैंक यू बोल दो। देखो आपके भी लड़के बच्चे पढ़ते हैं ये। हाँ, बोल दो खुश रहे। थैंक यू। हाँ खुश रहो। खुश रहो। हाँ बस यही तो है, ठीक है? शिवनंदिनी बना लो, हम चलते हैं। पूरा का पूरा वीडियो हमारा यहीं पे होता है ख़त्म, और आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ
पूरी फैमिली बैठ के भी ये वीडियो देख सकते हो। आप जितने भी हमारे वीडियो होंगे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो पूरी फैमिली में ना देख सको। सारी की सारी फैमिली में बहन भाई माता पिता सब के सब एक साथ बैठ के देख सकते हो, आपको कोई भी ऐसा महसूस नहीं होगा। जय हिंद बहनों भाइयों और सारे बच्चों को मेरा जय हिंद। और अच्छे से खाओ पियो रहो, मस्त सो क्यूट, थैंक यू, बाय।